हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं धवन भेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं सिखा रहा हूं आपको किस तरह से आप टेरेस गार्डन पर वेजिटेबल गार्डनिंग कर सकते हैं और वो भी लार्ज क्वांटिटी में। तो उसके लिए दोस्तों आपको ड्रम की रिक्वायरमेंट होगी। ड्रम इसलिए क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है और वो एक खेतों वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो खेतों वाला एनवायरनमेंट में ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है तो प्लांट्स को काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है अपने रूट्स को ग्रो करने में, और जितनी ज़्यादा रूट्स डीप जाएगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन यील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगा एक ड्रम का, उसके दो हिस्से करे जाएंगे। अब आगे वीडियो में देखेंगे वो हम कैसे कर रहे हैं। तो चलिए फाइनली देखते हैं दोस्तों ये ड्रम वाला हमारा वेजिटेबल गार्डनिंग कैसे रहता है। यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले एक ड्रम लिया और नियरली इसकी कॉस्ट 800 रुपीज़ के आसपास थी और हमको इसको यहीं पे कटवाना था क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं होता है कि हम ड्रम को इजीली कट कर सकें। और यहाँ पर ये विद इन अ 5 मिनट इन्होंने ड्रम कट कर दिया और यहाँ पर इनका टूल भी बहुत स्पेशल था और उसके भी इन्होंने मुझसे 150 रुपीज़ लिए। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 950 रुपीज़ के आसपास। पर दोस्तों ये 950 रुपीज़ हमें सिर्फ एक बार देने हैं और लाइफ टाइम के लिए हमारा ड्रम हमारे पास रहेगा। और फाइनली हमने हमारे ड्रम भर दिए हैं और सॉइल मिक्स का रेशियो है हमारा 60% नॉर्मल सॉइल है और 40% हमारा काउडंग कंपोस्ट है, तो मतलब ऑर्गेनिक और हेल्दी सॉइल है हमारी। चलिए यहाँ पर सीड लगाने का समय आ गया है, तो सबसे पहले हम लौकी के सीड्स लगा देते हैं। नेक्स्ट हम लगा देते हैं तरोई के सीड्स। नेक्स्ट है दोस्तों करेले के सीड्स। और दोस्तों इनको इक्वल डिस्टेंस पे हम ग्रो कर रहे हैं तो आपस में कभी इनकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे स्पेस से रिलेटेड। अब हम वाटर डाल रहे हैं और अब यहाँ पर सॉइल की क्वालिटी तो देख रहे हैं ना दोस्तों, कितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक रिच न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई है। तो यहाँ पर प्लांट की क्वालिटी और आपकी जो वेजिटेबल्स की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी आने वाली है। अब हमने जो बैंगन के सीडलिंग लगा रखे थे, अब उसमें से एक प्लांट लेके हम कोने की तरफ हमारा एक बैंगन का प्लांट लगा देंगे। एक साइड हम चिली का प्लांट लगाएंगे। और दोस्तों आप नोटिस कर रहे हैं ना, बहुत सारी वेराइटीज़ ग्रो हो रही है एक ही पॉट के अंदर, तो आप इजीली अपने होम पर ऐसी गार्डनिंग कर सकते हैं। टेन टू ट्वेल्व डेज के बाद ही दोस्तों हमारे सीड्स ने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दिए। करेले, क्यूकम्बर, तरोई, लौकी सारे में अच्छी से ग्रोथ नजर आने लग गई है। और यहाँ पर हमने बैक साइड में एक नेट लगा रखी है और ये वेजिटेबल ग्रोइंग नेट है। इसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है और ये इजीली कम से कम 10 फीट के आसपास मिल ही जाती है, तो डेफिनेटली आपको भी ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स ग्रो हो रही है और बड़ी बड़ी होती जा रही है। इस ड्रम में दोस्तों हमने एक लेयर सॉइल की डाली है तो एक लेयर हमने काउडंग कंपोस्ट की डाली है। तो हमें रेगुलर बेसिस पर इसके अंदर फर्टिलाइजर देना इतना ज़रूरी नहीं है। और आप यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ देख रहे हैं, डे बाय डे इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। वो इसलिए है क्योंकि सॉइल काफ़ी ऑर्गेनिक और रिच इन न्यूट्रिएंट है। इसमें आप अगर नोटिस कर रहे हैं तो हमारे क्यूकम्बर और तरोई की प्लांट पे एक अजीब सी पीलेपन वाली बीमारी आ रही है और ये बेसिक बीमारी है। ये इस प्लांट में ज़्यादा ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बस थोड़ा सा हमें फ्रूटिंग या फिर प्रोडक्शन थोड़ा सा कम मिलेगा। हमारा लौकी का प्लांट फ्लावरिंग पर आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। हमारा करेला का प्लांट भी फ्लावरिंग पर आ चुका है। इसमें हमने कद्दू का प्लांट भी उगा रखा है और उसकी भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और यहाँ पर वैसे कद्दू के प्लांट ने काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा दिया था, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और फ्लावरिंग पर आ गए हैं सारे के सारे।
यहाँ पर दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा है, बट ये हमारे सिर्फ एक ड्रम का कमाल है और इतनी ज़्यादा इसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, इतने ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और काफ़ी सारे प्लांट हेल्दी है और अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं, फ्लावरिंग भी आ रही है और यहाँ पर पॉलिनेटर्स भी आके चले जाते हैं। बैंगन का प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ड्रम वाला आइडिया? डेफिनेटली आपको भी ऐसा ट्राई करना चाहिए और महीने दो महीने में आपको इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सब्जियां मिलने लग जाएगी और वो भी बहुत कम स्पेस में। तो डेफिनेटली आप ड्रम वाला आइडिया ज़रूर यूज़ करना अपने गार्डन के अंदर। अब यहाँ पर हमारे सारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और इनको एडजस्ट करना पड़ा और ऊपर की साइड मुझे हुक्स का यूज़ करना पड़ा ताकि हमारी बेल की ग्रोथ रुके ना। और यहाँ पर ये कपड़े सुखाने वाली रस्सियों पर भी काफ़ी अच्छे से फैल रही है एंड सारे प्लांट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पर आ गए हैं। नियरली 2.5 महीने हो चुके हैं और अब यहाँ पर दोस्तों हमारे तरोई के प्लांट के अंदर तरोई लगना स्टार्ट हो गई है, उनकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ प्लांट हमारी बेलें जो थी वो डैमेज हो चुकी है, बट यहाँ पर अभी तरोई ने अपनी ग्रोथ पकड़ ली है और ये फ्लावरिंग पर आ गया है। हाइब्रिड सीड लेने का बेनिफिट यही होता है दोस्तों कि आपको कम स्पेस में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिलते हैं। और यहाँ पर आप तुरई की लंबाई देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी है और इनका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मीठा है। इसमें दोस्तों हमने भिंडी भी लगा रखी है और कद्दू भी उगा रखा था। कद्दू का पोलिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको याद है ना स्टार्टिंग में हमने चिली प्लांट भी लगाया था, तो वो भी अब चिलीज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, रेड और ग्रीन। आपको जो पसंद हो आप वो हार्वेस्ट करें और इजीली कंज्यूम करें। लो जी, फ्रेश और हेल्दी तरोई हमारी रेडी है। अब चलिए इनको फटाफट से हार्वेस्ट कर लेते हैं और बस अपने घर पर आप किचन गार्डन में जितना भी आप उगाते हैं वो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, केमिकल फ्री होता है, तो आपकी हेल्थ के लिए और न्यूट्रिशन वैल्यू आपके खाने की बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे फ्लावर भी आ रहे हैं और हमारा एक कद्दू बड़ा भी होता जा रहा है, बट यहाँ पर एक चूहे ने इसके ऊपर दांत मार दिया है, बट आउटर स्किन पर ही लगाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कद्दू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और रिजिड होता है, इजीली सर्वाइव कर लेगा, बट अगर आपको चूहों से प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए कद्दू को अब कट कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक इसकी बेल अब सर्वाइव नहीं करने वाली, तो इसको कट करते हैं और इसको देखते हैं अंदर से ये कैसा नज़र आता है। यहाँ पर दोस्तों हमने लाइफ में पहली बार पम्पकिन उगाया था, कद्दू उगाया था और थोड़ा सा कच्चा है, बट ओके है, सब्जी इसकी इजीली बन जाएगी और ऑर्गेनिक और न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। यहाँ पर बैंगन का प्लांट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो चुका है और इसके अंदर जो बैंगन लग रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के लग रहे हैं, तो अच्छी बात है और ऑर्गेनिक होने के साथ साथ इनका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होएगा। तो चलिए हार्वेस्ट कर लेते हैं। चिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और यहाँ पर हमने इनको रेड होने के लिए रखा है क्योंकि हमारे घर पर जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए रेड मिर्ची हमें चाहिए थी। अब चलिए इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ ग्रीन है और कुछ रेड है। फाइनली हमारी चिलीज़ भी हार्वेस्ट हो चुकी है और दोस्तों अब देख रहे ना एक ही ड्रम में हमने कितने ज़्यादा प्लांट उगाए और कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग करी। वीडियो को यहीं एंड करते हैं और देखते हैं इन ड्रम का और इन फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमेशा कनेक्टेड रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।